सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। एमटीपी किट को लेने के बाद ब्लीडिंग कितने टाइम में शुरू होती है, यही इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो वेलकम बैक गाइस टू अनदर एपिसोड ऑन पासी चैंप चैलेंज। तो बिना किसी डिले के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, ये एमटीपी किट होती है और इसके अंदर 5 टैबलेट होती है। पहली टैबलेट आपको पता होगा मिफेप्रिस्टोन की होती है, 200 मिलीग्राम की ये टैबलेट होती है। और इस टैबलेट को लेने पर यूजली लाइट एब्डोमन पेन या लाइट ब्लीडिंग देखने को मिलती है ओनली। और ये बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम फीमेल्स को ऐसा होता है कि उन्हें कुछ महसूस हो। आगे जो ये 4 टैबलेट्स हमारी रहती हैं, इन टैबलेट्स को मिजोप्रोस्टोल बोलते हैं, ठीक है। और ये जो टैबलेट हैं, इन टैबलेट की पहली डोज को लेने के 30 मिनट से 4 घंटे के बीच में आपको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है और साथ ही एब्डोमन क्रैम्प्स, एब्डोमन पेन भी शुरू होते हैं, ठीक है। लेकिन कई बारी ऐसा भी होता है कि इस टैबलेट को लेने पर कई फीमेल्स को ब्लीडिंग और पेन शुरू नहीं होता, और जो ये टाइम पीरियड है ये 24 घंटे तक भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये टाइम पीरियड 24 घंटे से ज़्यादा होता है तो इसका मतलब है कि इस टैबलेट ने वर्क नहीं किया। अब बात आती है कि अगर ये टैबलेट अपना काम नहीं करती तो क्या करना है। तो गाइज, टैबलेट के काम ना करने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। हो सकता है कि आपने जो टैबलेट ली है, जो किट ली है, वो आपने लोकल कंपनी की ली हो। दूसरा कारण है इसकी एक्सपायरी डेट का। तीसरा कारण है कि आपने सही रूटीन से इस टैबलेट को नहीं लिया है। या फिर चौथा कारण ये भी हो सकता है कि आपको नोजिया वोमिटिंग हो गई हो। और पांचवा कारण हो सकता है कि आपको प्रेगनेंसी ही ना हो। तो ये भी कुछ कारण हैं जिसके कारण ये टैबलेट अपना काम नहीं करती है, ठीक है। लेकिन यूजली इस टैबलेट को लेने पर अगर आपने सही डोज सही टाइम पर ली है सही तरीके से, तो आपको इस किट की जो पहली टैबलेट है उस टैबलेट को लेने पर कुछ भी नहीं होता है। आगे जो आप मिजोप्रोस्टोल की टैबलेट को लोगे, इस टैबलेट के लेने के 30 मिनट से 4 घंटे के बीच में जो फीमेल हैं उनको एब्डोमन क्रैम्प्स के साथ ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, ओके। और साथ ही अगर आप एमटीपी किट के बारे में अच्छे से पूरी डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो है, वीडियो के लास्ट में भी उसका लिंक मिल जाएगा या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो गाइज, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो गाइज, मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट।